कानपुर वाले का यार देखो 475 के आसपास है ना, हो सकता है थोड़ी बहुत वैरी भी कर जाए, 450 से 475 के बीच में मैं ये जो बात कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो फैक्टर पे। पहला ये कि सर क्या कट ऑफ डाउन जाएगी, तो हाँ जी कट ऑफ डाउन जा सकती है, और कितनी जाएगी, क्या BHMS बहुत कम पे मिल जाएगा। तो BHMS की जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या सेफ साइड जोन है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बता दूंगा। अगर आपकी उतनी स्कोरिंग है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि वो लोग थोड़ा सा भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जो कि डिसक्वालीफाई हैं यार। तो डिसक्वालीफाई वालों का क्या सीन है, मैं यार इस पर भी बहुत वीडियो बीच में बना चुका हूँ, एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन पर, जाकर फिल कर दो। जब ये अभी पूरा सिनेरियो समझा देता हूँ, राउंड वाइज कैसे काउंसलिंग होगी। राउंड वन हो जाएगा, अपग्रेडेशन राउंड होगा, राउंड टू होगा, अलॉटमेंट आएगी, जिनको अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाएगी वो मॉपअप में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मॉपअप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ तक जो क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द नीड वो सेम रहने वाला है। उसके बाद में जो एक स्ट्रे वैकेंसी, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड बोलते हैं, या आप उसको मॉपअप राउंड टू भी बोल सकते हो, यहाँ पर 10th percentile आप अपने उसके स्कोर कार्ड में देख लो भाई कि 10th percentile होना चाहिए। अभी तक क्या है, 50th percentile है जनरल वाले का, तो 50 वाले का 40 हो जाएगा, 40 वाले का 30 हो जाएगा। मैं इस पर बहुत बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दे रखा है, आप जाकर फिल कर दो। और यूपी में 110% आने के चांस है कि 10th percentile कट ऑफ रिडक्शन होगा। और ये जब भी नोटिफिकेशन आता है तो इंडिविजुअल किसी एक स्टेट का नहीं आता है, जब भी प्राइवेट कॉलेज में सीट्स वैकेंट होती हैं तो EEEC के थ्रू जो सेंट्रल काउंसलिंग है वहाँ से इन सभी को गाइड किया जाता है स्टेट अथॉरिटी को, तो उस अकॉर्डिंग फिर इसका डिसीजन लिया जाता है। तो जो भी लोग एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी यूपी के अंदर काफ़ी सारे निव कॉलेज ओपन हुए, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, आपकी ईयर वेस्ट नहीं होगी। अब यार एक चीज़ और, जो उनकी स्कोरिंग अच्छी है वो नए वाले कॉलेज ऑप्शन में भी ना रखें, ताकि जो लोग पूर्व वाले रैंकर वाले हैं उनको भी चांस मिल जाएगा एक कॉलेज में अलॉटमेंट लेने का। अभी हम लोग बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग में, यूपी आयुष की बात कर रहा हूँ, BHMS की क्या कट ऑफ जाएगी। लखनऊ वाले कॉलेज की 510 के ऊपर जाएगी, क्लियर है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगाई हुई है। कानपुर वाले का यार देखो 475 के आसपास है ना, हो सकता है थोड़ी बहुत वेरी भी कर जाए, 450 से 475 के बीच में, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये राउंड वन की कट ऑफ नहीं है, क्लियर है, ये मैं पूरी कंप्लीट बात कर रहा हूँ, जो पूरा मैंने पूरा प्रोसेस समझाया ना, ये मॉपअप राउंड तक का मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, मॉपअप राउंड तक की मैं बात कर रहा हूँ, इतना एक्सटेंड हो सकता है। हाँ, जो भी लोग पहले आयुर्वेदा को ट्राई करना चाह रहे हैं, आप आयुर्वेदा पहले रखो फिर BHMS रख दो, है ना। पहली तो ऑप्शन ये है कि अगर आपको नहीं लेना है BHMS तो बात ही अलग है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कानपुर का, देन इलाहाबाद की लास्ट ईयर 480 के अराउंड चला गया था। अब इन दोनों कॉलेज में ये रहता है कि थोड़ा सा लोकेशन प्रेफरेंस अकॉर्डिंग लोग रखना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। उसके बाद में आजमगढ़, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, इनका 430 से लेके 435 के बीच में वेरी करेगा। आप सिंपली ऐसा समझ लो कि जितना लास्ट अलॉटिंग रहता है आयुर्वेदा का 535 नंबर के आसपास लास्ट रहा था, उसमें 100 नंबर कम कर दोगे तो ऑलमोस्ट आपका जो BHMS का लास्ट वाला कॉलेज निकल आता है। उसके बाद में एक कॉलेज और है गाजीपुर वाला। देखो गाजीपुर वाले को मैंने अलग से नहीं रखा हुआ है, गाजीपुर वाला भी भाई 430 तक सेफ स्कोरिंग है, लेकिन 410 वाले भी उम्मीद रख सकते हैं, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉलेज के लिए। गाजीपुर वाला भी ऊपर इंक्लूड कर लो भाई, है ना, 430 तक रहेगा, 430 435 तक जाने वाला है। तो ये BHMS की कट ऑफ थी। वीडियो आज के यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम से जरूर कंसल्ट करिएगा। अगर आपको कुछ भी चॉइस फिलिंग में, फॉर्म फिलिंग में, एडमिशन लेने में, पूरी प्रोसेस में कंप्लीट कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी एक बार टीम से जरूर कंसल्ट कर लें। बाय बाय।